अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो है जी एक स्टील गेट के बारे में, जिसमें स्टील का काम काफ़ी ज़्यादा हुआ हुआ है, स्टील ज़्यादा लगा है, तो वो फैंसी है, गेट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो वो आज एक बना रहे हैं गेट, ये हमने डिस्प्ले पे जो गेट रखे हैं इनको पसंद करके, एक हमारे कस्टमर हैं उन्होंने ये गेट पसंद किया, तो उनके लिए ये बन रहा है गेट। तो मैंने सोचा आपको वीडियो बना कर आपको इसकी सारी डिटेल दूँ और मटेरियल के बारे में भी बताऊँ, और कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है इसमें और कौन सी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल होता है। तो चलिए ये देखें, ये जो लड़के सफाई कर रहे हैं इसको, ये चेकर प्लेट है जी, ये चेकर प्लेट लगती है, इसको डिज़ाइनिंग चादर बोलते हैं, डिज़ाइनिंग वाली चादर। तो ये बार्डर जो लगता है इसका डिज़ाइनिंग वाली चादर का लगता है, बीच में इसमें प्लेन चादर ही होती है, जिसकी 16 गेज की चादर है। तो पहले तो इसको बनाते हैं, बनाकर फिर उसको अच्छे तरीके से बिल्कुल सफाई करते हैं, फिलिंग विलिंग करते हैं, पटीने वगैरह लगाते हैं, स्टील पटीन लगा के इसको फिनिशिंग करके, क्योंकि बनाने वाले तो बहुत हैं, बहुत बन जाते हैं गेट बना के रख, लेकिन जो फिनिशिंग होगी इसकी गेट की, यही मेहनत करेंगे तो इसकी फिनिशिंग निकलेगी, साफ़ सुथरा होगा। तो ये सेंटर में देखें पट्टी लगी हुई है 300 की, तो ये जो फ्रेम है इसका, ये सारा पट्टी का है, बहुत मजबूत है, इससे ये लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब अगर पाइप लगाते हैं तो उसकी लाइफ अगर 20 साल है तो ये 30 साल हो जाएगी। तो इस हिसाब से ये फ्रेम इसका पट्टी का बना है, तो ये बहुत ही मजबूत और शानदार गेट ज़बरदस्त बनता है। ये देखें गेट, ये इस तरह स्टील के पाइप लगेंगे इसमें, और सेंटर में स्टील की जाली लगेगी, पीछे इसके जो ये स्टील की शीट भी लगती है, जाली के पीछे स्टील की शीट लगेगी, बाकी सारे हैंडल लगेंगे स्टील के। ये है दो पल्ले वाला गेट, मतलब 12 फुट का गेट है, इसके अंदर ही विंडो रखी हुई है हमने, लेकिन वो जो बन रहा है गेट वो 3 पल्लों का है, मतलब 2 अलहदा से पल्ले हो जाएंगे, एक 12 फुट का गेट हो जाएगा और एक 3.5 फुट का गेट हो जाएगा, तो उस हिसाब से बना रहे हैं ये। आप इसको पीछे से भी देखेंगे तो ये ट्यूब में बना है, ये ट्यूब में बना है, आगे पीछे दोनों तरफ ये स्टील के पाइप नज़र आते हैं, ये मतलब 4 इंची 1.5 इंची पाइप में बना है, तो इसके दोनों तरफ ही स्टील के पाइप आपको नज़र आएंगे। तो ये अच्छे तरीके से अंदर से खूबसूरत लगता है, लेकिन ये जो हम लोग बना रहे हैं वो शीट में बना रहे हैं, ट्यूब में नहीं बना रहे, 16 गेज की शीट में बना रहे हैं, तो उसके अंदर की तरफ, ये बाहर से तो इस तरह लगेगा, अंदर की तरफ इसके पाइप नज़र नहीं आएंगे, अंदर की तरफ से ये सारी मेटल शीट ही नज़र आएगी। ये भी आपको उठा के दिखाते हैं लड़के पीछे से, इसको कैसा इसका व्यू निकलेगा। तो ये देखें जी, ये खड़ा कर दिया इन्होंने, तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ इसको पीछे से इसका, ये देखें इस तरह पीछे से, इस तरह बैक से, इस तरह नज़र आएगा इसके, तो सिर्फ ये जो बॉर्डर वाले पाइप हैं वो आपको नज़र आएंगे अंदर से, बाकी इसको स्टील के पाइप अंदर से नज़र नहीं आएंगे। ये पाइप से ज़रा स्ट्रीट ज़्यादा मज़बूत होती है, क्योंकि इसको जंग नहीं लगता जल्दी, ख़राब नहीं होती, वो लोहे वाले पाइप होते हैं उनको ज़रा जंग लग जाता है, जल्दी ख़राब हो जाती है, इस वजह से ये मेटल शीट में बना है, ट्यूब में नहीं बना है। तो ये कुंडे, ये मतलब कुंडे कब्जे हर चीज़, मतलब बैरे वगैरह मजबूत होंगे। तो चलिए जी इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये जी है 12 फुट ज़रा 7 फुट का गेट, तो 3.5 तरफ 7 का, तो इसका फुटाना निकल आया आपका 108.5, तो यह है 800 रुपये फुट बनेगा, 800 रुपये फुट के हिसाब से ये 92,000 का गेट आपका तैयार होगा। तो 18 गेज में बनाएंगे तो ये 80,000 का तैयार होगा, 750 रुपये फुट के हिसाब से ये तैयार हो गया। तो चलिए जी वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, कोई इन्फॉर्मेशन हो आई हो तो लाइव में शेयर करें वीडियो, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूं। तो चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।